guys, my name is Dakshati and welcome to my YouTube channel Classroom. देख रहे हैं आपका और मेरा YouTube चैनल क्लासरूम। तो आज होली है इसलिए हैप्पी होली। और आज हम लोगों ने वीडियो बनाई है सब्ट्रैक्शन यानी कि द फोर ऑपरेशन के दूसरे पार्ट पे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सब्ट्रैक्शन के पॉइंट्स टू रिमेम्बर, ठीक है, मतलब हमें याद रखने वाले पॉइंट्स इसमें जानना है। पॉइंट नंबर वन, व्हेन जीरो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर द डिफरेंस इज द नंबर इटसेल्फ। जब जीरो किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाता है हाँ तो जो नंबर होगा आंसर होगा वो नंबर इटसेल्फ ही कहलाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले पॉइंट का फेयर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 4058 माइनस 0 इक्वल्स टू 4058 ही आंसर आएगा। द आंसर ऑफ अ सब्ट्रैक्शन इज नोन एज डिफरेंस। जो आंसर होता है सब्ट्रैक्शन का वो डिफरेंस, उसे डिफरेंस कहा जाता है। When a number is subtracted from itself, the difference is always zero. तीसरा पॉइंट देख लीजिए, कोई भी नंबर अपने आप से ही अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए हाँ तो उसका आंसर हमेशा जीरो आएगा। पॉइंट नंबर थ्री का एग्जाम्पल आप भी देख सकते हैं, 5769 माइनस 5769 इक्वल्स टू जीरो। बहुत आसान बात है कि मतलब अगर ये दो नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एक दूसरे से हाँ तो आंसर जीरो ही आएगा। जैसे कि वन में से वन माइनस करेंगे तो जीरो ही आएगा, टू में से टू माइनस करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज की ओर। सेक्शन ए, राइट इन कॉलम्स एंड फाइंड द डिफरेंस। ठीक है, ये हमारे लिए दो क्वेश्चन है, हमें इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, 8764 और 87 माइनस करना है 8765 से। ठीक है, यहां लिख देते हैं 8764। ठीक है, और अब मैं इसे माइनस करना है तो माइनस का सिंबल और 8765। अब चलिए हम लोग माइनस करना स्टार्ट कर देते हैं। फोर में से फाइव जाएगा नहीं हाँ तो हमें इसे रीग्रुप करना पड़ेगा। ठीक है, फोर बन जाएगा 14 और फाइव बन जाएगा 4। ठीक है, 14 में से फाइव गया, 9 आंसर आ जाएगा 9। अब फोर में से सिक्स जाएगा नहीं हाँ तो फोर को इसको भी रीग्रुप करना पड़ेगा। 4 बन जाएगा 14 और 6 बन जाएगा 5। ठीक है, अब 14 में से 6 जाएगा 8 आएगा आंसर 8। ठीक है, अब 5 में से 7 जाएगा नहीं, 5 को भी रीग्रुप करना पड़ेगा। 5 बन जाएगा 15, 7 बन जाएगा 6। ठीक है, अब 15 में से 7 माइनस करना है तो हमारा आंसर आएगा 8। ठीक है, और 6 इनमें से 8, 6 को भी रीग्रुप करना ही पड़ जाएगा। 6 बन जाएगा 16 और 8 बन जाएगा 7। अब 16 में से 8 जाएगा 8 और 7 बन जाएगा 7 ओनली। ठीक है, हमारा आंसर आ गया 7888 9। हमारा ये आंसर है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 63010 माइनस 5815। ठीक है, इसे आप करते हैं 63010 माइनस 5815 इक्वल्स टू। अब जीरो में से फाइव जाएगा नहीं हाँ तो हमें इसे रीग्रुप करना पड़ेगा। जीरो बन जाएगा 10, वन बन जाएगा जीरो, 10 में से फाइव जाएगा 5। अब जीरो को फिर से रीग्रुप करना पड़ेगा, जीरो बन जाएगा 10, ये जीरो 9 क्योंकि ये मांगेगा सॉरी 10 होगा फिर ये 9 बन जाएगा और 3 बन जाएगा 2। अब 10 में से 1 जाएगा आएगा हमारा आंसर 9। ठीक है, 9 लिख देते हैं और 9 में से 8 जाएगा तो आएगा हमारा आंसर 1। अब 2 को फिर से डीकोप कर दे, 2 बन जाएगा 12 और 6 बन जाएगा 5। ठीक है, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 7 आंसर, और यहाँ 5 को उतार लेंगे हमारा आंसर आ गया 57195।
ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं सेक्शन डी के ओर। चेक द आंसर ऑफ सेक्शन ए। हमें सेक्शन ए के दोनों आंसर्स को चेक करना है। तो चलिए अब चेक भी कर लेते हैं। चेक मैंने जैसे बताया वैसे ही करेंगे चेक। सबसे पहले इसे और इसे ऐड कर देंगे 7, ठीक है 8, 8, 8, 9 लिख देना है, ठीक है। अब ये 8, 7, 6, 5 प्लस, अब हमें ऐड करना है ये सारा, ठीक है 9, 5, 14, 14, 1 ठीक है 8, 8, 6, 8 + 6 करेंगे 8, 6 में 1 जोड़ लेंगे आएगा 15 हमारा आंसर 15, 5 और यहाँ 1 लिख देंगे 8, 16 आएगा 6 और यहाँ 1 और यहाँ 8, 8, 16, 17, 7 और यहाँ आएगा 1 हमारा आंसर फिर 1, 8 लिख देंगे। अब देखिए हमारा आंसर 8, 7, 6, 5, 4 ये भी 8, 7, 6, 5, 4 ही है तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। चलिए दूसरे पे देखते हैं 5, 7, 1, 9, 5 में ये 5, 8, 1, 5 कर देना है 5, 7, 1, 9, 5 अब प्लस कर देंगे 5, 8, 1, 5 ठीक है 5, 5, 10 = 0, 1 ठीक है 1, 9, 11, 11, 1 ठीक है 1 + 8, 9, 9 + 1, 10 = 0, 1 7 + 5, 12, 12, 13 = 3, 1 1, 5, 6 हमारा आंसर आ गया 6, 3, 0, 1 देखिए हमारा आंसर ये सही है 6, 3, 0, 1, 0 यहाँ पर भी है इसका मतलब हमारा दोनों आंसर सही है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सकोगे। बाय बाय।